प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैन वुमेन एंड डॉग में। आज के वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही सिंपल, इजी, हेल्दी एंड टेस्टी लेमन पेपर फिश फ्राई, और साथ ही हम बनाएंगे कैरेट एंड बीन्स की स्टर फ्राई विथ मैश्ड पोटैटो। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे 1/2 kg के करीब फिश लिया है। हम यूजुअली रोहू और कतला यूज करते हैं, आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी फिश यूज कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। ये मैंने 1 स्पून के करीब मिला लिया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने मिला लिया है 1 टीस्पून के करीब नमक। अब मैंने ऐड किया है यहाँ पे 1 पूरा नींबू। साथ ही मैंने यहाँ ऐड किया है ओरिगैनो, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब आप अच्छे से हैंड वॉश कर लें और इन सभी चीजों को मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसे 1 घंटा भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं, और अगर आपके पास समय है तो आप इसे ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं। अब हम वेजिटेबल की स्टर फ्राई के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने कैरेट ले लिया है। आप इसे पतला पतला काट लें, अपनी चॉइस के अनुसार आप छोटा बड़ा जैसा चाहे कट कर सकते हैं। साथ ही मैंने कट कर लिया है बीन्स। बीन्स भी आप कोशिश करें कि थोड़ा मीडियम साइज में कट करें। यहाँ मैंने 250 ग्राम के करीब कैरेट और 250 ग्राम के करीब बीन्स ले लिया है। अब हमने सब्जियां कट कर ली हैं, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। इस पैन में मैंने 2 टीस्पून के करीब बटर ऐड कर दिया है, यह अनसॉल्टेड बटर है। जैसे ही बटर पिघल जाए आप इसमें इन सब्जियों को ऐड कर दें। अगर आपके भी घर पे कोई ऐसा मेंबर है जो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, तो आप उन्हें इस निंजा टेक्निक से फिश के साथ वेजेस खिला सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये टेक्निक रियली वर्क करती है। अब आप इन सबको मिक्स कर लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार आप कम या ज्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब डाला है। साथ ही हम यहाँ ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। हमें थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है, इसलिए मैंने 2 टीस्पून के करीब लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 लेमन। इसे भी हम स्क्वीज करके डाल लेंगे और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, तो अब हम इसे कवर कर लेंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे। याद रखिए, हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हाफ कुक करना है, ताकि इसे जब हम खाएं तो इसका क्रंचीनेस हमारे मुंह में आए। तो चलिए इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। लीजिए, तो हमारा कैरेट एंड बीन्स का स्टर फ्राई बनके तैयार है। बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। चलिए तो अब हम तैयारी करते हैं मैश पोटैटो की। उसके लिए मैंने 3 आलू ले लिया है। इसे हम प्रेशर कुकर में 2 सीटी आने तक कुक कर लेंगे। दो सीटी लग चुकी है, तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं। देखिए, तो हमारे आलू अब पक चुके हैं, तो इसे हम पहले सबसे पहले निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही हम अब इसको पील कर लेंगे। अब मैंने एक पोटैटो मैशर ले लिया है, इससे मैं सारे आलू को मैश कर दूंगी। यहाँ मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 3 आलू लिया है। आप अपनी फैमिली मेम्बर के अनुसार पोटैटो की क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है। यहाँ मैं 1 टीस्पून के करीब बटर यूज़ कर रही हूँ। वापस मैं अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ। इसे आप अच्छे से मेल्ट कर लें और ये स्मैश किया हुआ जो आलू है इसे इसमें ऐड कर दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब सॉल्ट, 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। साथ ही हम ऐड करें ओरिगैनो, ये ऑप्शनल है। अब हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो घर की बनी हुई फ्रेश मलाई भी यूज कर सकते हैं। क्रीम को आप जरूर ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। लीजिए, तो हमारा स्मैश पोटैटो भी बनके तैयार है।
तो इसे अब हम डिश आउट कर लेते हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी को ये मैश पोटैटो बहुत पसंद आता है। चलिए तो लेमन पेपर फिश फ्राई बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। मेरे पास एक ऐसा पैन है जो एक तरफ पैन फ्राई कर सकते हैं और दूसरी तरफ ग्रिल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल नॉनस्टिक पैन में या कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने बटर ले लिया है अनसॉल्टेड। इसे आप अच्छे से मेल्ट कर लें और चारों तरफ लगा लें। जो फिश जो हमने मैरिनेशन के लिए रखी थी वन बाय वन ऐड करते जाएंगे। मेरे हस्बैंड को ग्रिल्ड फिश बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पीसेस इस तरीके से रखवाए हैं। आप पीसेस की साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। अब हम इसे 5 मिनट कुक करेंगे। 5 मिनट बाद अब हम इसे पलट लेंगे। आप इसे संभाल कर पलटें क्योंकि फिश है जो बहुत नाजुक होती है। लीजिए तो हमारा लेमन पेपर फिश फ्राई बनके तैयार है। इसी तरीके से बचे हुए फिश को भी हम कुक कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, बहुत ही कम समय में ये बन जाता है और ये रेसिपी ऐसी है कि आपके फैमिली में हर किसी को पसंद आएगा। इसमें बहुत ही कम मसाले यूज होते हैं, इसलिए ये काफी हेल्दी है। लीजिए तो बनकर तैयार है हमारा आज का हेल्दी रेसिपी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा चैनल फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी है, तो आप चाहे तो हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो, खुश रहने दो। प्रेज द लॉर्ड। बाय।